सभी को स्क्रीन दिख रही है? हाँ गुड इवनिंग है सभी को। क्या सभी को स्क्रीन दिख रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ स्क्रीन दिख रही है सभी को? स्क्रीन दिख रही है या नहीं? यस सर। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 28 प्रैक्टिस सेट को देख चुके हैं हम लोग। तो क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा? कुछ ठीक था उसमें? नहीं सर। एक नंबर सर। सर ठीक है, स्क्रीन नहीं बहुत दिख ज्यादा, रहा। बहुत ज्यादा टफ भी नहीं दिया। इसलिए नहीं ज्यादा टफ दिया है कि दोनों लेवल पे काम मॉडरेट होना है चाहिए। मॉडरेट था। हाँ सर, मॉडरेट है। ठीक तो बहुत टफ भी नहीं दिया है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था। ठीक है, अगर आप उतना क्वेश्चंस को कर लेते हैं, जैसे अगर उसमें 50-50 का या 100-100 का सेट था, अगर आप 90 क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो इसका मतलब कि आपकी तैयारी अच्छी है, बस ये बात मान के चलिए। लेकिन 85-80 से नीचे नहीं लाना नंबर है। अगर उसको आप उतना कर रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, बस इस बात को समझ लीजिए। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे नया, और एकदम नए क्वेश्चंस है इसमें। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको नए रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीयम वाज कंडक्टेड टू प्रमोट। सबसे पहले भारतीयम होता क्या है? ये एक एक्टिविटी है, जैसे लेजियम जानते हैं यस और वांट्स जानते हैं, इंडियन क्लब्स। आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग बीपीएड करते थे तो उस समय क्या था? जब हम लोगों ने बीपीएड किया है तो उस समय जो हमारे जनरल लेसन प्लान होते थे, जनरल लेसन प्लान, ठीक है, उसमें क्या होता था? जनरल लेसन प्लान में इक्विपमेंट्स के साथ जब हमको एक्टिविटी कराई जाती थी तो उसे हम क्या कहते थे? तो उसी प्रकार का भारतीयम भी एक क्या होता है? एक इक्विपमेंट्स है। वांट्स कितने लोग जानते हैं? वांट्स, अरे जो स्टिक नहीं होता था, ऐसे स्टिक होता था, दोनों साइड घुंघरू लगे होते थे। ठीक जी सर। है, जी लेजियम आप जानते होंगे, छन छन आवाज करता था। तो उसी प्रकार का एक ये है आपका भारतीयम। ठीक है, तो ये जो भारतीयम था यह किसको प्रमोट करने के लिए किया जाता था? भारतीयम क्या है ये आपको ये बताना है। ठीक है, इंडिजीनियस मतलब खेल। होता है आपका, इंडिजीनियस मतलब क्या होता है? भारतीय खेल, जो हमारी धरोहर की खेल है। दंड बैठक होता था, फ्री एंड एक्सरसाइज होता था, या मास एंड रिदमिक एक्टिविटीज होता था। सर इंडिजीनियस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा, मास एंड रिदमिक एक्टिविटीज है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू यहां पे क्या है? मोस्ट मॉडर्न गेम्स एंड स्पोर्ट्स वर ब्राउट टू इन इंडिया बाई, मतलब बहुत सारे जो मॉडर्न गेम्स एंड स्पोर्ट्स आप देखते हो इंडिया में, वह सब लाए गए हैं, तो कहाँ से लाए गए हैं आपसे ये पूछा जा रहा है। बिजनेसमैन जो कि भारत में आए थे इंग्लिश, वो लेकर आए थे, या ब्रिटिश आर्मी एंड उसके ट्रेडर्स जो थे वो लेकर आए थे। ठीक है, वर्स वाइल इंडियन प्रिंसेस जो हमारे भारत के राजकुमार लोग थे, बाहर जाके पढ़ते थे तो वो नया कल्चर सीख के आते थे, उसी चीज को प्रमोट करते थे, या फिर इंडियन स्टूडेंट जो बाहर पढ़े गए और वहां से पढ़ने के बाद आए और उस चीज को इंडिया में अप्लाई करें। तो आपको बताना है कि जो मॉडर्न स्पोर्ट्स और गेम्स आप इंडिया में इस समय देख रहे हो, या किसकी देन, इंडिया में कहाँ से आया है या किसके द्वारा आया है? बी बी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ब्रिटिश आर्मी जो थी उन्होंने ही तरह तरह की चीजों को सिखाया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। तो हेल्थ रिसर्च, हेल्थ इंस्ट्रक्शंस, हेल्थ सुपरविजन, हेल्थ सर्विस। सुपरविजन। सुपरविजन होता है भैया, हेल्थ का परीक्षण नहीं होता है। रिसर्च नहीं, तो नहीं ये होगा। देखिए मॉडर्न क्वेश्चन है, रिसर्च सर। ए सर, ए ऑप्शन नंबर ए, हेल्थ रिसर्च नहीं हो रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है हु वाज द चीफ मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। जब स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना था तो उस समय गुजरात का मुख्यमंत्री कौन था? आनंदीबेन पटेल। नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो है नरेंद्र भाई पटेल। यस सर, बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे द मोटो ऑफ मॉडर्न ओलंपिक इज, बताइए। सीटीएस अल्टीएस फोर्टीएस एंडनेस, सीटीएस अल्टीएस फोर्टीएस टुगेदर, अल्टीएस फोर्टीएस सीटीएस टुगेदरनेस या टुगेदरनेस सीटीएस अल्टीएस फोर्टीएस। राइट ऑप्शन क्या, देखिए टुगेदर नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, टुगेदरनेस होती है, ठीक है, हम साथ साथ या साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट है एन एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन, एक ऐसी एक्टिविटी जो सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता हो और प्लेजर मजा लेने के लिए किया जाता हो, वो क्या है? हेल्थ, रिक्रिएशन, ग्रोथ एंड रिक्रिएशन। रिक्रिएशन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है, रिक्रिएशन। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम इज फॉर्म ऑफ, इंक्लूसिव जानते हैं, देखिए अभी आप लोगों ने एपीई पढ़ा, एपीई का मतलब क्या है, एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है, एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन में यही फिजिकल एजुकेशन के जो एक्टिविटीज हैं इनको मॉडिफाई करके किसके लिए बनाया गया है, डिजेबल बच्चों के लिए बनाया गया है, ठीक है, तो वो हमारा एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन है। अब उसी तरीके से क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। अब एक बात ये भी कहा जा रहा है कि उन बच्चों को, मतलब जो नॉर्मल बच्चों को, डिजेबल बच्चों को साथ साथ रख के इंक्लूड करके पढ़ाया जाए, हर एक चीज को सिखाया जाए ताकि उनको ऐसा लगे कि वो बहुत समाज से दूर है, समझ में आई बात, तो इसी को कहा क्या जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। ये आपके क्लास 11 सीबीएसई में ये टॉपिक है, किसी ने पढ़ा ये इंक्लूसिव एजुकेशन? तो इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। आप पूछ रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ, तो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम किसके अंतर्गत आता है या किसका फॉर्म है, एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन का है या फिर फिजिकल एजुकेशन का है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन का है या स्पेशल एजुकेशन का है? तो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि यहां भी डिजेबल की बात हो रही है और बोला जा रहा है कि डिजेबल पर्सन को भी क्या होना चाहिए, नॉर्मल पर्सन के साथ मिलकर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड फिलॉसफी इज, फिलॉसफी का क्या होता है, मतलब Love of wisdom. Option number B is correct हो जाएगा, ठीक है? Next हमारा है, in which Olympic did women participate for the first time? तो 1900 Paris. Option number B is correct होगा. Who among the following are found to be most agile? Agile मतलब होता है किसके अंदर सबसे ज्यादा फुर्ती होगी? इनमें से सबसे ज्यादा फुर्ती किसके अंदर है? Gymnast. हायर जंपर, जिमनास्ट, स्विमर्स एंड डाइवर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, जिमनास्ट के अंदर। विच डिफिशियंसी इन द ब्लड कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन बॉडी पार्ट्स, ब्लड का कौन सा भाग में कमी होने की वजह से, ठीक है, इन्फ्लेमेशन मतलब कि सूजन, स्वेलिंग बढ़ने लगेगी आपके अंदर। डब्ल्यूबीसी नहीं, आरबीसी। आरबीसी की अगर कमी होती है तो आपके बॉडी के अंदर इंफ्लेमेशन यानी कि सूजन बढ़ने लगेगा। ऑल रिफ्लेक्स एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। एड्रेनलिन विच इज एक्साइटेटरी हार्मोन्स इज सिक्रीटेड बाय, एड्रेनलिन क्या होता है, एक एक्साइटेटरी हार्मोन है जो कि किसके द्वारा निकाला जाता है, पेनक्रियाज, गोनेड्स, थायराइड या सुपर रेनल ग्लैंड्स के ऊपर जो होता है, तो सुपर रेनल ग्लैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इन कार्डियक साइकिल, एक पूरा कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है, 0.8 मिनट, 0.8
8 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोलिक एंड वेंट्रिकल डिस्टोलिक। सिर्फ वेंट्रिकल का पूछ रहा है कि वेंट्रिकल सिस्टोलिक एंड वेंट्रिकल डिस्टोलिक का टाइम क्या होगा, मतलब एक आपको सिस्टोलिक बताना है और एक तो देखिए यहां पर दिया है सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है कि वाइड मसल फाइबर्स आर बेटर एडॉप्टेड टू परफॉर्म। तो वाइड मसल फाइबर्स बहुत ज्यादा फास्ट कॉन्ट्रेक्शन किसके लिए होते हैं, तो फास्ट कॉन्ट्रेक्शन के अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द स्मॉलेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, स्टेपीडियस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। एनर्जी बैलेंस इज द डैश होमियोस्टासिस ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम। तो एनर्जी बैलेंस इज द किस प्रकार का होमियोस्टासिस ऑफ एनर्जी लिविंग होता है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल तो होगा नहीं, सोशियोलॉजिकल होगा नहीं, बायोलॉजिकल होगा नहीं, अब आदम का क्या बचा, फिजियोलॉजिकल। तो 17 का सॉरी देखिए यहाँ पे एक चीज गलत आ गया, मुझे भी लगा था यही है, लेकिन यहाँ पर बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल है, ये नहीं है, इसी दो में गड़बड़ थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द सप्लाई ऑफ ब्लड इंक्रीजेस टूवर्ड्स स्केलेटल मसल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। एन एथलीट हु इज टू आउट ऑफ ब्रेथ एंड टायर्ड टू कंटिन्यू सडनली फाइंड द स्ट्रेंथ टू प्रेस ऑन एट परफॉर्मेंस विद द लेग्स एक्सर्शन। तो क्या कहते हैं इसे कि अचानक से, देखिए मैं इसके हिंदी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, एक खिलाड़ी है वो अचानक से ऐसा लगा कि वो क्या हो गया, थक गया है और वो पूरी तरीके से थक चुका है, अब उसको एक्टिविटी रुकनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसने कंटिन्यू किया एक्टिविटी को, और कुछ देर बाद एक्टिविटी को कंटिन्यू करता है तो उसे फिर दिक्कत नहीं होती है, उसको परफॉर्मेंस आसानी से करने लगता है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, सेकंड विंड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज एटीपी, कार्बोहाइड्रेट, एटीपी। देखिए हमने क्या बोला है, कार्बोहाइड्रेट भी सही आंसर है, बट हमने अभी बोला था कि ऐसे ऑप्शन आते हैं, दो दो ऑप्शन आपको सही लगते हैं तो आप उस समय क्या करेंगे, बेटर चुनेंगे, बेस्ट। हाँ, तो बेस्ट आप लेंगे। ठीक है, यस सर। तो ये चीज आपको करना है। ठीक, आगे बढ़े, एकदम सर, कोई दिक्कत किसी को? नो सर, नो सर। ठीक है, तो बेस्ट वाले ऑप्शन पे जाइए ना। तो ये देखिए अभी कार्बोहाइड्रेट से एटीपी एनर्जी बनने में कितना प्रोसेस होता है, होता है कि नहीं होता है, कौन सा प्रोसेस के थ्रू बनेगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट करेगा, फिर उसके बाद ग्लाइकोजेनेसिस होगा, तो इस तरीके से कई सारे उसके स्टेज है ना। लेकिन यहाँ पर एटीपी तो आपको तुरंत मिल गया, मतलब कि तो पूरा करेंसी है एक तरीके से। अब जैसे यूपीआई से मैंने आपको पैसे दिए तो आप क्या करोगे, अब इसको हार्ड कॉपी, उसका हार्ड निकालने के लिए ट्रांसफर करना पड़ेगा, आपको एटीएम जाके निकालना होगा, तो प्रोसेस है उसका। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द मेन पोस्टुरल डिफॉर्मिटी अमंग एडोलेसेंस गर्ल इज। सबसे ज्यादा लड़कियों में कौन सी डिफॉर्मिटी होती है, काइफोसिस, आपको बताना है सर, बी जिम्नास्टिक वाली लड़कियों को ज्यादा। हाँ, अरे द पोस्टुरल डिफॉर्मिटी अमंग एडोलेसेंस गर्ल, एडोलेसेंस गर्ल में राउंड शोल्डर, ठीक है, इस समय। नेक्स्ट हमारा है द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज सर्टोरियस। अब देखिए यहां पर लार्जेस्ट बोल दिया है, ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हालांकि ये सही है सर्टोरियस, लेकिन ये सही होता लॉन्गेस्ट, अगर यहीं पर आपका ग्लूटियस मैक्सिमस होता तब आप क्या करते हैं? लार्जेस्ट होता, लार्जेस्ट ग्लूटियस मैक्सिमस, लार्जेस्ट मतलब है कि बड़ा है आकार में, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा है आकार में, समझ में आई बात।
तो सार्टोरियस लॉन्गेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो लॉ ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पॉस्चर इज एन इंडेक्स ऑफ, पॉस्चर किसका इंडेक्स होता है, आपका अच्छा पॉस्चर किसका इंडेक्स होगा, आपकी हेल्थ का, आपके चरित्र का, आपकी फिटनेस का, या आपकी पर्सनैलिटी का। पर्सनालिटी हेल्थ, ए ऑप्शन इज करेक्ट, आपकी पर्सनालिटी बताता है। अगर आप जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल लीजिएगा हेल्थ कैसे होगा, अब देखिए हेल्थ नहीं होगा, अगर आप जैसे बहुत झुक के चलते हो या बहुत आपका पॉस्चर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, खराब रहता है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे आपकी जो होगी ना, लोग टोकते नहीं है कि ऐसे चलते हो, पैर ऐसे खोल के चलते हो, या ऐसे चलते हो, ऐसे रहते हो, समझ में आ रही बात, तो आपकी पर्सनालिटी बहुत इफेक्ट डालेगा वो। तो नेक्स्ट हमारा है बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ ज्वाइंट, तो किस प्रकार का ज्वाइंट होता है, फिक्स्ड होता है, यूनिएक्सियल है, बाईएक्सियल है, ट्राईएक्सियल है, ट्राईएक्सियल होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है बोन सेल आर आल्सो कॉल्ड, तो बोन सेल को हम किस नाम से जानते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन, मीटर पर सेकेंड, ओनली मीटर, ए ऑप्शन, ए कहां से होगा, डी हो जाएगा, नंबर 27 है ना, डी होगा, मीटर। आप अगर किसी का डिस्टेंस नापेंगे तो मीटर में तो नापेंगे कि मीटर और किलोमीटर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेशर मैनिपुलेशन टेक्निक, इनमें से कौन सा प्रेशर मैनिपुलेशन टेक्निक माना जाएगा, क्लैपिंग, नीडिंग, पिंचिंग एंड पाउंडिंग, 28 का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नीडिंग प्रेशर मैनिपुलेशन के अंदर आता है, नीडिंग के साथ साथ और कौन सा आता है, पेट्रिसाज, यस सर, और तीन होते हैं प्रेशर के अंदर, फ्रिक्शन भी होता है, फ्रिक्शन इसके अंदर, हाँ ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लेटिसमस डॉर्सी इज सिचुएटेड इन, बताइए लेटिसमस डॉर्सी कहाँ होता है, अपर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग, थाई, ध्यान से समझिए, बैक, लोअर लेग, ठीक है, जो वी शेप बनता है ना आपके बॉडी का, पीछे से आकार में वी शेप लगता है ना, कमर पतला है, चेस्ट चौड़ा हो रहा है, तो जो वी बनता है वो, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं लेटिसमस डॉर्सी की वजह से वो बनता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्लरेज इज अ मसाज टेक्निक, मेजरिंग टेक्निक, एल्बो आर्टिकुलेशन, या हाइड्रोथेरेपी, ए ऑप्शन नंबर ए, मसाज टेक्निक है, द कंप्रेशन ऑफ अदर ग्रोथ स्टेजेस इन्फेंसी इज मोर पीरियड ऑफ, अगर हम क्या करें कि ग्रोथ को कंपेयर करेंगे कुछ अलग स्टेज में, इन्फेंसी एज में, तो ग्रोथ इज मोर अ पीरियड ऑफ, कैसा होता है, फास्टर होता है, सोशल ग्रोथ होता है, मेंटल ग्रोथ होता है, या कंसीडरेशन होता है, फास्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा सर, बी, 31 के यहाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, तो जो हमारा इन्फेंसी वाला एज होता है उसमें फास्टर ग्रोथ होता है। थ्योरी ऑफ इनसाइटफुल लर्निंग इज आल्सो नोन एज, गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट थ्योरी, बी होगा, ए कौन बोला है सर, बी बोला है, गेस्टाल्ट थ्योरी बोला, अच्छा, द एब्रिविएशन इज एन ए, डेवलपमेंट बाय मैकलेनन इज ड्राइव, हिज थ्योरी ड्राइव टू अचीव, बिहेवियर स्टैंड्स फॉर मोटिवेशन, एक्शन, ड्राइव टू अचीव, यस सर, ड्राइव टू अचीव, नीड फॉर एक्शन, ड्राइव टू अचीव होगा। मैंने जब भी बोला था, देखिए इसमें तीन चीजें होती है, एन, एन ऐसे छोटा रहेगा, ऐसे रहेगा, एन एच, एन एफ, नीड टू एप्लीकेशन, नीड टू अचीवमेंट, है ना, इस तरीके से होता है, समझ गए, ये एन का मतलब नीड है, तो ये मोटिवेशन थ्योरी का एक भाग है जो मैकलेन ने दिया था, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का वो है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, फाइंड व्हाट इज नॉट द लॉ ऑफ लर्निंग फ्रॉम द बिलो मेंशन। लॉ इफेक्ट होता है, लॉ ऑफ रिएक्शन एक्सरसाइज ये नहीं होता, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन। कॉग्निटिव प्रोसेस इज कंसर्न विद नोविंग एक्सपीरियंस, फीलिंग एक्सपीरियंस, स्ट्रीविंग एक्सपीरियंस या लर्निंग एक्सपीरियंस। अगर हम कॉग्निटिव प्रोसेस को बात करेंगे तो किससे संबंधित होता है, जो आप जान रहे हैं उसके अनुभव से, जो आपने महसूस किया उसके अनुभव से, जो आप सीख रहे हैं उसके अनुभव से। डी होना चाहिए सर, ऑप्शन नंबर डी। जो हम जानते हैं कॉग्निटिव क्या है, कॉग्निशन मतलब मेंटल बताया हुआ है, तो हम जो जानते हैं वही हमारा क्या है, नोविंग एक्सपीरियंस ही हमारा क्या, जो हम जानते हैं वो अनुभव ही हमारा सत्य ज्ञान है, जो चीज हम जानते हैं वही तो ज्ञान है। तो कॉग्निटिव हमारा मेंटल तो उसी प्रकार से काम करेगा, जब तक हम जानते ही नहीं तो कैसे काम करेगा वो। आइए नेक्स्ट बात करेंगे, साइकोलॉजिकल मीन्स ऑफ ट्रेनिंग आर। तो जो साइकोलॉजिकल मीन्स, ये मीन्स समझते हैं यहाँ पे क्या मतलब बोल रहा है, मतलब इसका मतलब, ये मीन्स नहीं, ये मतलब वाला मीन्स नहीं है, ये मीडियम वाला मीन्स है। मीडियम मतलब कि माध्यम, तो साइकोलॉजिकल माध्यम की ट्रेनिंग जो दी जाती है उसमें क्या होता है, उसमें कौन सी ट्रेनिंग जाएगी, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑटोजेनियस ट्रेनिंग, साइकोटोनिक ट्रेनिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। बोथ, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। साइकोटोनिक ट्रेनिंग भी होती है, ऑटोजेनियस ट्रेनिंग भी होती है, दोनों ही साइकोलॉजी को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ एग्रीएबलनेस पर्सनालिटी डायमेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट बोल रहा है, इसके बारे में पढ़े एग्रीएबलनेस। यस सर, बिग फाइव थ्योरी। हाँ, बिग फाइव थ्योरी के अंदर आता है, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि नॉट एन एट्रीब्यूट, मतलब एग्रीबिलनेस के अंदर क्या नहीं आता है, उस मतलब एग्रीबिलनेस पर्सनालिटी जो थ्री डायमेंशन है उसके अंदर क्या नहीं होगा। एग्रीबिलनेस वाले जल्दी से क्या कर लेते हैं, दूसरों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। yes, और नहीं, हाँ तो नहीं पूछा है तो ये तो मैं बता रहा हूँ, हाँ कर लेते हैं, बाकी बताइए मॉडेस्ट्री अल्ट्री थोड़ा बता देगा, मॉडेस्ट्री का हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, उनके अंदर ये नहीं होता है। ठीक है, इंग्लिश पढ़ने से थोड़ा सा होगा, कुछ लोगों को दिक्कत लग रही होगी इंग्लिश में, लेकिन यकीन मान के चलिए ये सारे क्वेश्चंस, इसमें से आपको कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज द सोशल इनहेरिटेंस ऑफ मैन। अगर हम सोशल मतलब एक सामाजिक जनजात की बात करें तो वो क्या है, ट्रेडिशंस, ट्रेडिशनल कल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सोशल इनहेरिटेंस, ठीक है तो कल्चर। नेक्स्ट है, अ चेन इज अवर ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड इन नोन एज। अगर जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म में चेंज हुआ है जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या किस क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर ग्रोथ बी इज करेक्ट हो जाएगा, ग्रोथ बी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा है, द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द लर्निंग थ्योरी इज द। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी समझते हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है, कॉग्निटिव स्कूल, साइकोनालिटिक स्कूल, बिहेवियरिस्ट स्कूल, गेस्टाल्ट स्कूल। गेस्टाल्ट स्कूल, सर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा, इसका ऑप्शन सही होगा। अब सुनिए ध्यान से, ये मतलब बताया गया कि साइकोलॉजी ऑफ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, मतलब जहां पे साइकोलॉजी के बारे में मतलब एक बोला गया है
कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है, मतलब जहां पर जिससे आप की जो मेंटल है, जो मेंटल प्रोसेस है या आपकी बिहेवियर है उसको ट्रेंड किया जाता है, तो किसके अंदर ट्रेंड किया जाएगा? तो बिहेवियर स्कूल के अंदर, ठीक है। विच इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया? NCTE. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। इन द स्कूल सेटिंग, अगर आप स्कूल सेट कर रहे हैं, द मेजर चैनल ऑफ पब्लिसिटी, आप पब्लिसिटी का, आप पब्लिसिटी लिखा है, सॉरी पब्लिसिटी होगा, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इज, अगर आप एक स्कूल सेटअप करना चाह रहे हैं तो आपका सबसे ज्यादा पब्लिसिटी करने का सबसे ज्यादा तरीका क्या होगा फिजिकल एजुकेशन के लिए? स्टूडेंट इंट्राम्यूरल, देखो अगर आप एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो किसी भी चीज का ना, आपने देखा होगा छोटे छोटे टूर्नामेंट कराए जाते हैं, टूर्नामेंट कराने से क्या होता है, सबसे ज्यादा पब्लिसिटी होती है। स्कूल पे अगर आप अपना स्कूल का एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं तो इंट्राम्यूरल कराते रहो और लोगों को बुलाते रहो, ठीक है, अच्छे अच्छे पब्लिसिटी आपकी अच्छी हो जाएगी। द क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द टर्म प्लेवे इन एजुकेशन गोज टू, तो प्लेवे मेथड किसने दिया था एजुकेशन में? कॉल्डवेल कुक, ठीक है, कॉल्डवेल कुक ने दिया था। फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन द फिजिकल एजुकेशन टीचर मस्ट पोजेस, कैसा होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन टीचर? हाई क्वालिफाइड होना चाहिए, गुड पर्सनालिटी, टेक्निकल नॉलेज ऑफ स्किल, टीचिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। सी हो जाना चाहिए, नंबर सी। सी, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 45, टुडे इज, इट इज वेल रिकॉग्नाइज्ड द करिकुलम डेवलपमेंट इज सिनोनिम्स विद ऑनगोइंग एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इन सर्विस एजुकेशन। ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर इसका ए ही होगा कि ये दूसरा? नहीं, चेंज है, 45 इसका ऑप्शन, 45 का। हाँ हाँ, द मूवमेंट एजुकेशन कॉन्सेप्ट स्ट्रेसेस यूनिकली ऑन, तो मूवमेंट एजुकेशन अभी हमारा चल रहा है ना, फिजिकल एजुकेशन का नया नाम क्या है? मूवमेंट एजुकेशन, ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मूवमेंट एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये यूनिकली किस पर डिपेंड होता है? अचीवमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटी स्टैंडर्ड, चैलेंजिंग टास्क ओरिएंटेड स्टैंडर्ड, इंडिविजुअल चाइल्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड या टीचर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो टीचर परफॉर्मेंस तो होगा नहीं, इंडिविजुअल चाइल्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, चैलेंजिंग टास्क। हम कैसे जानेंगे कि मूवमेंट एजुकेशन हो रहा है? अचीवमेंट ऑफ, अचीवमेंट के थ्रू? नहीं, चैलेंजिंग के थ्रू नहीं, इंडिविजुअल और चाइल्ड परफॉर्मेंस। एक बच्चा और एक इंडिविजुअल कैसा परफॉर्म कर रहा है किसी एक्टिविटी को, उसके थ्रू, उसके स्टैंडर्ड के थ्रू हम पहचानेंगे, ठीक है। एकदम न्यू क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कीम प्रोग्राम बाय साई फॉर स्पोर्टिंग टैलेंट? तो साई के द्वारा कौन सा, साई के द्वारा कौन सा आपका स्पोर्ट टैलेंट स्कीम नहीं चलाया जा रहा है, इसमें से कौन सा स्कीम है? SGFI चलाई जाती है कि नहीं चलाई जाती है? शायद नहीं सर, नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। SGFI अपनी खुद की संस्था है, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ये कोई स्कीम नहीं है। SGFI अलग है, बाकी सारे ही साई के क्या है, स्कीम है। स्कीम में एलिजिबिलिटी है, अगर आप वो करते हो तो फिर आपको ये चीज मिलेगा। जैसे खेलो इंडिया में क्या है, स्कीम है, खेलो इंडिया पढ़ लेना बहुत अच्छे से भाई सभी लोग, ठीक है। और ये हमारा के लिए ना, हाँ हाँ, नहीं इसके लिए भी पढ़ लेना खेलो इंडिया। सर खेलो इंडिया का 2018 है या फिर उसका सर ईयर कहीं कन, वो क्लियर नहीं होता सर, एक बार बता देंगे? वो 18 में तो है पहला, 18 क्लियर है ना सर, 17-18। ठीक, थैंक यू सर।
ये जानिएगा कि अगला सेशन कहाँ होगा, खेलो इंडिया का ऐप कब लॉन्च हुआ था, फिट इंडिया मूवमेंट कब लाया गया था, ठीक है। तो इन सब बारे में जो करंट है ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, अभी एशियन गेम्स हुआ है, पैरा एशियन हुआ, उसमें जो हाईलाइटेड स्पोर्ट पर्सन है और ओलंपिक और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन फ्लैग लिया हुआ था, है ना, ये चीज। इंडिया मेडल टैली में कितने स्थान पे था, कितने मेडल गोल्ड थे, सिल्वर, ब्रॉन्ज, टोटल मेडल, तीनों को भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब जरूर पढ़िएगा, जो पिछले भी जितने भी गेम हुए हैं करंट में, ये सब हो सकता है क्वेश्चन आपसे। और फिजिकल एजुकेशन वाले में भी दो क्वेश्चन आएगा। शेड्यूलिंग इज द सेंट्रल क्रक्स ऑफ, आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट का क्वेश्चन था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज अ स्पार्क प्लग विच सेट्स इनटू मोशन द व्हील ऑफ एक्टिविटी प्रोग्राम। तो किसको हम स्पार्क प्लग कहते हैं? टाइम टेबल, स्टूडेंट अटेंडेंस, एक्टिविटी टाइम शेड्यूल, टीचर्स पंचुअलिटी, स्कूल मॉर्निंग असेंबली। तो ये होगा टाइम टेबल को स्पार्क प्लग कहा जाता है किसी भी संस्था का, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन इसका होगा, करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा टाइम टेबल आपका स्पार्क प्लग के नाम जाना जाता है और व्हील ऑफ द प्रोग्राम या एक्टिविटी प्रोग्राम माना जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड, तो 29 अगस्त इज द स्टेट ऑफ टोटल वेलबींग एंड नॉट मर्ली अब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ये हमारा WHO ने दिया है ऑप्शन। द नेशनल मलेरिया इरेडिकेटिंग प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन द ईयर इन इंडिया 52 C 3 होगा 1956। द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग असिस्टेंस एग्जॉस्टेड एथलीट इज, अगर क्या हो रहा है यहाँ पर, लॉन्ग रेजिस्टेंस या लॉन्ग बहुत दूरी का है और बहुत थका हुआ, एग्जॉस्टेड मतलब कि बहुत थका हुआ एथलीट है, तो उसके लिए कैसा फर्स्ट एड आप दोगे? आर्टिफिशियल इंस्पिरेशन, मसाज, यहाँ पे क्रायोथेरेपी होगा, सी हट गया, ऑल ऑफ द अबव, मसाज, क्रायो, ए ऑप्शन इज आर्टिफिशियल इंस्पिरेशन दोगे, बहुत लंबी दूरी का दौड़ रहा है खिलाड़ी, तो उसके लिए आपको आर्टिफिशियल इंस्पिरेशन देना पड़ेगा। ट्रिप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, बॉडी फैट परसेंटेज ऑफ एन एथलीट इन ट्रेनिंग इज रिलेटिवली, बॉडी फैट परसेंटेज होता है एथलीट का, ठीक है, ट्रेनिंग रिलेटिवली किससे संबंधित होता है, जो ट्रेनिंग आप ले रहे, बॉडी फैट परसेंटेज ऑफ एथलीट इन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में बॉडी फैट परसेंटेज होता है वो किससे संबंधित होता है? स्टेबल, स्थिर होता है, लो रहता है, अनस्टेबल होता है, जो बॉडी फैट होता है ना, तो ट्रेनिंग में संबंधित है या हाई होता है? समझ रहे हो, ट्रेनिंग में लो होता है, बॉडी फैट परसेंटेज आपका लो हो जाएगा, जब आप ट्रेनिंग करने लगोगे तो लो नहीं होगा फैट परसेंटेज। लंबर गो इज आल्सो कॉल्ड पेन इन द हेड, पेन इन द एब्डोमेन, पेन इन द लो बैक, ऑल ऑफ द अबव। नंबर सी, लो बैक, सी, पेन इन द लो बैक। नेशनल ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ, मैंने 57, ठीक है, डी। नेक्स्ट हमारा है, फंक्शंस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स आर, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिंग, रेगुलेटिंग, एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय पैरासाइट वायरस, पर 59 वायरस, ठीक है, वायरस डेंगू एडीज के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा, फॉर द पर्पस ऑफ रिमेनिंग फैट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉरी रिमेनिंग हेल्थ, फॉर द पर्पस ऑफ रिमेनिंग हेल्थ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य वैसे का वैसा बना रहे तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, मतलब हम चाहते हैं हमारा स्वास्थ्य जैसा है वैसा बना रहे, बूढ़े ना हो, तो वरिंग अबाउट हेल्थ, क्या हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, नोइंग अबाउट हेल्थ, क्या हेल्थ के बारे में जानना चाहिए, थिंकिंग अबाउट हेल्थ, हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, या फॉलोइंग अबाउट हेल्थ, यही होगा डी, तो सिस्टी का डी।
तो जो भी हेल्दी हैबिट्स है उसको फॉलो करना होगा, ठीक है जी। सिर्फ सोचने से, जानने से, हमने जान तो लिया लेकिन फॉलो कितना करते हैं, ये चीज मेरे ऊपर भी अप्लाई हो रहा है इस समय। हम जानते तो हैं, कहने को तो हेल्थ टीचर है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, नॉलेज भी है, सारा कुछ पता है, नहीं लेकिन दिक्कत हो जाती है खेलने का, मतलब टाइम ही नहीं मिलता खेलने का। मैं इतना चाहता हूँ कि खेलने का कम से कम एक घंटा कोई हो ऐसे साथ में खेलने वाला, कुछ ना कुछ खेले, पसीना निकले, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। इससे मेटाबॉलिज्म भी खराब हो रहा शरीर का, फैट बढ़ने लग रहा है। पॉलियोमेट्रिक इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्स फेनोमेना, जंप, एजिलिटी ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर बी होगा। एरोबिक फिटनेस इज बेस्ट अचीव थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस सर्किट ट्रेनिंग, शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फार्टलेक ट्रेनिंग इज, फार्टलेक ट्रेनिंग का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? वेरिएशन इन स्पेस, वेरिएशन इन पेस, यहां दोनों जगह स्पेस होगा, एक जगह स्पेस होगा, एक जगह पेस होगा। वेरिएशन इन ड्यूरेशन, वेरिएशन इन प्लेस, प्लेस डी होगा, प्लेस पेस होगा, वेरिएशन इन पेस, ये मेन प्रिंसिपल है। इस पे आपने देखा होगा कि फार्टलेक ट्रेनिंग जो हम लोग करते हैं, इसमें जो हमारा पेस होता है वो पहले से निर्धारित नहीं होता है। खिलाड़ी अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी पेस को ऊपर नीचे कर सकता है, कर सकता है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? नेक्स्ट है रिएक्शन एबिलिटी एंड एक्सेलरेशन एबिलिटी आर द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म होते हैं? स्पीड। नेक्स्ट हमारा विच फेज डज नॉट अराइव इन स्पीड वर्कआउट। स्पीड वर्कआउट करते वक्त या स्पीड में जब हम कोई ऐसा काम करते हैं स्पीड वाला, उसमें कौन सा फेज नहीं होगा? एक्सेलरेशन फेज होता है, डी एक्सेलरेशन फेज होता है, डी एक्सेलरेशन फेज होता है क्या? नहीं नहीं नॉट, यही होगा। डिसेलरेशन क्या होता है? नहीं, डिस एक्सेलरेशन फेज भी है। जब लास्ट में हम रुकेंगे ना, जैसे हमारा जब एफर्ट लगाना हम स्लो कर देंगे तो डिसेलरेट नहीं होगा बॉडी हमारा? यस सर, हाँ। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मूवमेंट फेज नहीं है। मूवमेंट फेज एक अलग प्रकार की वो होती है, मूवमेंट एक्टिविटी या मूवमेंट का वो है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फार्टलेक इज स्वीडिश वर्ड विच मींस स्पीड प्ले, ऑप्शन नंबर ए। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आर, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर्स डाल सकते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ ज्वाइंट्स, यस और नो? लेकिन यहाँ दिया कहाँ है सर? सभी होंगे, एक तीन है, एक तीन चार है, फिर एक दो चार है, फिर सर फटीग भी तो करेगा वो। सही है, फटीग भी है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है सर्किट ट्रेनिंग इंप्रूव स्ट्रेंथ स्पीड इंड्योरेंस ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव सही होगा, दो ऑप्शन मिल रहा है जी जी, ठीक है। ऐसा मत कहना कि सर नहीं ये स्पीड तो होता ही नहीं है, हो सकता है कि स्पीड वर्कआउट कराया जा रहा हो सर्किट में, उससे कुछ ऐसी। कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स टेक प्लेस इन, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अ थ्रिल ऑफ ऑल स्पोर्ट्स लाइज इन, अगर हर खेल का एक सबसे थ्रिल, सबसे महत्वपूर्ण चीज देखा जाए तो क्या होता है? विनिंग, जीतना, कॉम्पिटिशन, पार्टिसिपेशन या परफॉर्मेंस? सबसे नंबर सी, पार्टिसिपेशन, बी कंपटीशन, कंपटीशन, ठीक है, थ्रिल है। टेस्ट आर, टेस्ट क्या होता है? टेस्ट आर डिजाइन टू एजर्टन द क्वांटिटी रेंडरिंग सर्विस टू द सोसाइटी, अप्रेजल ऑफ पुपिल्स प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी। टेस्ट क्या होता है? डिजाइन टू एजर्टन द क्वांटिटी, किसी चीज को क्वांटिटी में बताना, ठीक है, या फिर उसको मैनेज करके सोसाइटी को बताना, या सोसाइटी के लिए सेवा करना, या किसी जानने के बाद मेजरमेंट क्या होता है कि लोगों के लिए प्रोग्राम को बनाना, कार्यक्रम निर्धारित करना, या एक इंस्ट्रक्शन एंड निर्देश वाला विधि है या गतिविधि है।
नेक्स्ट हमारा है द ड्यूरेशन ऑफ रसल लेंज वॉलीबॉल टेस्ट इज 45 सेकंड बताया था हमने 45 सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज मेजर डायनेमिक स्ट्रेंथ इनमें से डायनेमिक स्ट्रेंथ कौन मेजर कर रहा है वर्टिकल जंप रोप क्लाइंबिंग फॉरवर्ड रोल रोप क्लाइंबिंग रोप क्लाइंबिंग वर्टिकल जंप वर्टिकल जंप डी होगा डी सही होना चाहिए ये कौन वाइस चैट डाल रहा है ग्रुप में यस सर बहुत देर से हो रहा है ऐसा चलिए आगे बढ़ते हैं वैलिडिटी मींस सर इसका कंफर्म कर दीजिए 73 का 73 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा रोप क्लाइंबिंग ठीक है वैलिडिटी मींस द टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड एक्यूरेटली द टेस्ट मेजर द क्वांटिटी ऑफ द विच इज टू बी यूज्ड बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव मतलब हम किसी की वैलिडिटी टेस्ट की वैलिडिटी को कैसे बताएंगे द टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड एक्यूरेटली कि यह टेस्ट एकदम सही से प्रशासनिक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा या द टेस्ट मेजर द क्वांटिटी फॉर विच इज या टेस्ट उस चीज को मेजर करेगा जिस चीज के लिए इसको बनाया गया हो अरे वैलिडिटी का मतलब क्या होता है टेस्ट वैलिड है कि नहीं तो कैसे बताएंगे कि वैलिड है तो ये अपने उद्देश्य को पूरा करे ठीक है जिस चीज के लिए इसको बनाया गया हो वो चीज को मेजर करने में कितना ज्यादा सक्षम है इसी चीज को हम क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा है फॉर विच इज टू बी मेजर्ड या इज टू बी यूज्ड ठीक है तो जिस चीज के लिए इसको बनाया गया हो वो कितने परसेंट या सक्षम है उस चीज को मेजर करने में इन अ गुड पॉस्चर द वेट ऑफ द बॉडी शुड बी रेस्ट इवेनली अगर हम अच्छे पॉस्चर की बात करते हैं तो हमारा वेट जो बॉडी का वेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए कैसे गिरने चाहिए द टू टोज पर दोनों टो पे बराबर होना चाहिए द टू हिप पर हिप ज्वाइंट्स पर बराबर होना चाहिए टू फिट दोनों पैरों पर बराबर होना चाहिए द टू लेग्स सी ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा ठीक है नंबर ऑफ आइटम्स इन क्रॉस रिवर टेस्ट तो ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट हो जाएगा केबल टेंशन टेस्ट यूज टू मेजर बुक पढ़े होंगे तो बता देंगे तुरंत स्ट्रेंथ तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज टू फॉर मेजरिंग कार्डियो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट सॉकर स्किल इज मेजर्ड बाय मिलर वॉल वॉली टेस्ट मैकडोनाल्ड टेस्ट यस सर बी ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट्स इज टू मेजर हाइट स्टेडियोमीटर डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस तो ऑप्शन नंबर विटामिन ए द मैक्सिमम क्वांटिटी इन द डाइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन शुड बी प्रोटीन ब्लड गेट डीऑक्सीजनेटेड लंग्स मसल बात कर रहा है हार्ट अरे भाई डी मसल में कैपिलरी में नर्व्स ठीक है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ वेसल गैंगलिया इज टू गैंगलिया का मतलब क्या है नहीं गैंगलिया क्या कंट्रोल ऑडिटरी फंक्शन द क्रॉस सेक्शन ऑफ मसल इज इक्वल टू अगर हम मसल की क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो लेंथ
इनटू विड्थ, विड्थ इनटू थिकनेस, लेंथ इनटू हाफ थिकनेस या थिकनेस बाय विड्थ, टू थिकनेस बाय टू विड्थ, थिकनेस। हाँ सी नंबर। अगर हम क्रॉस, अगर उसकी हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शन, क्या कि मसल का क्रॉस सेक्शन कैसा है, तो उस क्रॉस सेक्शन में हम क्या देखते हैं, बी होना चाहिए सर, विड्थ एंड थिकनेस। क्या चीज बी, बी है, कोई सी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है। क्रॉस सेक्शन होगा तो लेंथ तो नहीं हो पाएगा ना सर, क्योंकि काटेंगे फिर, क्रॉस सेक्शन का मतलब तो वही होता है, तो लेंथ तो नहीं होगा। इसका साउंड खुला है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डाउट में है अभी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, बेंडिंग फॉरवर्ड ऑफ द ट्रंक इज एन एग्जांपल ऑफ सजाइटल प्लेन। फॉरवर्ड प्ले, फॉरवर्ड अगर हम झुकते हैं आगे या फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो ये हमारा किस प्लेन पर आधारित है, सजाइटल, सजाइटल प्लेन है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट एड मैनेजमेंट इन स्प्रेन। अगर हम किसी का फर्स्ट एड में मेजर करते हैं, फर्स्ट एड करते हैं स्प्रेन का, तो उसमें कैसे सीक्वेंस होगा, सबसे पहले क्या होगा, आर आई सी, चौथा ऑप्शन, तीन थ्री चार दो एक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थ्योरीज आर मैस्लो नीड थ्योरी, ये नीड थ्योरी क्या आपका आएगा, नहीं सर, मोटिवेशन सोशल लर्निंग थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, ट्रेड थ्योरी दो और तीन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट, सर्वे स्टडी एम्स टू, ये हमें लग रहा है वो वाला पूछ दिया है, रिसर्च का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्ले थ्योरीज, कैथरेसिस होता है और साइको रिलेटिव होता है, तो एक और तीन, तीन का है ए ऑप्शन इज करेक्ट, यही ना है जी जी। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2005। राइट आंसर क्या है इसका, 2005। 2005 है, चेक करिए, 2009 होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रिएशन इज, रिक्रिएशन में, रिक्रिएशन का ऑर्गेनाइजेशन जब हम करते हैं, रिक्रिएशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो सबसे जरूरी फैक्टर्स क्या उसमें है, मटेरियल, लीडरशिप, फैसिलिटीज, प्लानिंग, प्लानिंग, फैसिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडोर जिम्नेजियम। अगर हम वेंटिलेशन बनाते हैं, सबसे जरूरी चीज क्या उसमें है, वेंटिलेशन, वेंटिलेशन, ठीक है। आइए अब बात करते हैं प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, गोल सेटिंग, गोल सेटिंग, जिसे हम बताते हैं कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, गोल सेटिंग, पहला ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, स्टाफिंग, स्टाफिंग का ए होगा यहाँ पे, ठीक है। ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, स्टाफिंग का मतलब जो ट्रेंड होते हैं और प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने के लिए होती है। लीडिंग, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, और कंट्रोलिंग मतलब मॉनिटर करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तीन एक चार दो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन सेलेक्टिंग द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज क्वालिटी क्वालिटी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा. स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट डिपेंड ऑफ डी फाइनेंस ऑल ऑफ द अबव पर्सनल फैसिलिटीज तो 96 का क्या हो जाएगा डी. नेक्स्ट हमारा टू डिटरमाइन व्हाट इज द नीडेड एंड हु विल डू इट इज एन इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ मैनेजर टेक्निकली इज नोन एज ये जानना कि व्हाट इज क्या जरूरत है और कौन उसको पूरा कर पाएगा यह डिसाइड करना ही सबसे बड़ा टास्क होता है मैनेजर के लिए और इसको हम क्या कहते हैं कि कौन किस काम को कर लेगा स्टाफिंग करना कहते हैं ना ऑर्गेनाइजिंग करना बी इज करेक्ट होगा. नंबर बी द प्राइमरी फोकस ऑफ सुपरविजर मस्ट ऑलवेज बी द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड कंपटीशन प्रोग्राम लर्निंग सिचुएशन इक्विपमेंट सिचुएशन नहीं लर्निंग सिचुएशन पर सबसे ज्यादा फोकस होता है. नेक्स्ट है एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन प्रीडोमिनेंटली ओवर टू बी अवेयरनेस एजुकेशन मूवमेंट एजुकेशन स्किल एजुकेशन फन एजुकेशन मूवमेंट 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 एजुकेशन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ मैनेजरियल सिस्टम मतलब क्रूशियल मतलब सबसे जरूरी जो बता रहा है कि मैनेजर सिस्टम का सबसे जरूरी और आवश्यक चीज क्या है कम्युनिकेशन पर्सनल द क्वालिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम द प्रोग्राम ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा. अब बता दूं आपको कि इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो मैंने सारे टेस्ट दिए हैं और उन्होंने वो कर लिए हैं कर लिए है, बहुत बढ़िया है ठीक है. एक दूसरा मेरा रह गया है. किसी क्वेश्चंस को दिक्कत में है तो हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है जी सर. हाँ डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में. अब अगला क्लास आपको बता दूं कि कल का ड्रॉप करके कब होगा फ्राइडे को ठीक है. मैं टाइम आपको दे रहा हूँ ताकि आप पर्सनल स्टडी को ज्यादा से ज्यादा कर सके. क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे उसमें नए क्वेश्चंस हैं उसमें आपको कॉमनवेल्थ गेम्स के भी क्वेश्चंस रहे होंगे 2023 के एशियन गेम्स के भी क्वेश्चंस रहे होंगे फीफा का भी क्वेश्चन रहा होगा जिन्होंने लगाया है पता है भाई करेंगे क्वेश्चंस है ना. हाँ हाँ है सर. तो इसलिए बोल रहे पूरा लगा लीजिए लगभग आपका चांस वहां से बनेगा. करंट में ये सब पूछना है एशियन गेम्स से दो क्वेश्चन निश्चित है कि आएगा निश्चित. और क्या पूछता है ज्यादातर मैं बता दूं कि देखिए क्या क्या पूछता है जब भी करंट से पूछेगा तो एक तो पहले मोटो पूछेगा ठीक है. दूसरा क्या पूछेगा शुभंकर इंडिया मेडल टैली में कितना मेडल प्राप्त किया टोटल और कौन से स्थान पे था. तीसरा ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन था इंडिया का समझ गए. ये चार ये तीन जो मैं चार बता दिए टॉपिक इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा. और एक फेमस एथलीट जो सबसे ज्यादा फेमस है जिन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है उनके बारे में पूछ सकता है ठीक है. तो एक बार उन प्लेयर्स को भी देख लीजिएगा जो उभरे हुए सितारे हैं इस समय इंडिया के ठीक. यस सर. चलिए तो फिर मिलते हैं. कोई भी अगर दिक्कत होगी तो आप मुझे बता पूछ लीजिएगा ग्रुप में डाल दीजिएगा सबका क्लियर हो जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है. देखिए टाइपिंग करने में मिस्टेक हो सकती है या मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि आपको लगता है कि एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना. अब मुझे इतने सारे पेपर सेट करने होते हैं मतलब इतने सारे क्वेश्चंस हैं उसमें सेट करने के लिए तो होता है ठीक है. ये वाला क्वेश्चन पेपर कैसा लगा आज वाला ठीक था. बहुत बढ़िया था. ठीक है कोशिश कर रहा है कि किसी में से क्वेश्चन को फंसाया जाए. देखिए कितना परसेंट क्वेश्चन फंसता है मैं इसका दावा नहीं करूंगा बट कोशिश ये रहेगी कि यहाँ से 50%